दो वर्ड है रिवाइव ते रिफॉर्म, एदा मीनिंग समझ लेना। रिफॉर्म का मतलब की होता है बोलो ना, उची रीस्ट्रक्चर करना, मतलब कि कोई ट्रेंड चलता आ रहा है उन्हें चेंज करना। जिवें सपोज करो हिंदू धर्म में सती का ट्रेंड सी, आपां कहना है कि हिंदू रिलीजन मस्ट बी रिफॉर्म, मतलब कि जिहड़ी बुराई है उन्हें खत्म कर देनी, रिफॉर्म कर देनी, मतलब इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू मस्ट रिफॉर्म योर सेल्फ, अपने आप को बदलना, मतलब चीज को बदल देना, बस सीधे जी गल हो गया रिफॉर्म। रिवाइव का मतलब की होता है, कौन दस ना रिवाइव का मतलब, ठीक है तुम्हें अटैच कर दी मीनिंग सही है इतने लग मीनिंग होता है हिस्ट्री में, कौन दसूगा भी हम देखो ध्यान रिवाइव का मतलब की है। हम जो इंडिया का एंशियंट टेक्सट है केड़े केड़े, वेदास उपनिषद्स आर्यन का एडी इंडिया के एंशियंट टेक्सट भगवद गीता। हम कहते की होया एंशियंट टाइम विच जिवें इंडिया वर्क कर रहा है इट वॉज नॉट बैड एट ऑल, वधिया तरीके नाल वर्क कर रहा कोई प्रॉब्लम सी, सब तो रिच कल्चर ते सब तो रिच कंट्री कौन ही सी आप ही सी। हुण कहिंदे जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने लोगों के मन में लोगों ने दिमाग में इंडिया की इमेज इंडियंस के दिमाग में की बनाती, खराब बनाती, कि तुसी तां की सी आदिवासी सी असी आके तुहानू मॉडर्नाइज कीता। हुण एक मूवमेंट पैदल की चली कि वी हैव टू रिवाइव इंडियन कल्चर, वी हैव टू रिवाइव इंडियन कल्चर, किहड़ा इंडिया का पुराने जमाने वाला कल्चर सी, अज तो लख साल पहला 15 मतलब लख कह गया 2000 साल पहला 3000 साल पहला जेडे लोग वेदास के अकॉर्डिंग चलते सी रिलीजन के अकॉर्डिंग चलते सी टाइम दोबारा लेके आ, समझ लग रहा ना, कहते ना घर अपनी गल करते हैं पुराना टाइम दोबारा आऊगा, लोग दोबारा पिंड रह लगनगे, लोग दोबारा पैसे मगर घट बजन लगनगे, वह मतलब कि पुराना टाइम की गल आप रिवाइव कर लिया, समझ लग गया। हूँ सोसाइटीज भी यही बन गई सी, जिहड़ा आ समाज सी इह कहिंदे सी आर्या समाज हुंदे ना आर्या स्कूल, यह सारे आर्या समाज दे स्कूल है, दे वॉन्ट टू रिवाइव इंडियन कल्चर जिहड़ी अपनी पुरानी हिस्टरी है कहिंदे उहदे अकॉर्डिंग चलो, जिहड़े अपने पुराने टैक्सट है कहिंदे उहदे अकॉर्डिंग चलो। जिहड़ा रिफॉर्म हुंदा है यह समाज जिहड़ा सीगा ब्रह्मो समाज, किहड़ा समाज सी ब्रह्मो समाज। हुण कोई दस सकदा दिमाग ला के ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਿਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਬੈਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, समझ लग रहा है, दे वर फोकसिंग ऑन रिवाइविंग इंडियन कल्चर, जो पुराना कल्चर लेके आओ माड़ा नहीं है कल्चर तो है भी नहीं माड़ा, आपको पता ही है वह तो अपने अंदर इमेज बनाई गई है जी कि इंडिया का पुराना कल्चर माड़ा सी, दे वॉन्ट रिफॉर्म। हुण की किया इन्होंने जो अपने लीडर से ठीक है, वह जान लग गए पिंड, जान लग गए पिंड, उत्थे जाके लोकल सोंग्स कलैक्ट कर लग गए, लोकल लैजेंड्स मतलब उत्थे दी कहानियां, कहिंदे हुंदे ना there goes a legend in this village that there was an old woman who was killed by so and so person, jehdi ik pind di local kahani hundi ohnu kehnde legend, jive apne phool di kehdi kahani hai bibi parlo ji, oh ki hai utthe ik woman rehndi hundi si ohdi kahani chaldi hai utthe, sach hai jhooth hai kayyan ne dekhe kayyan ne dekhe kuch vi nahi pata apan, vaise to recently sach hai ki hai ik legend hai samajh gaye, legend ik kahani chaldi hai sare kehnde bibi parlo de nahi kehve chao देखो अपने गाने में निवेद चीज लिखी हुई है, अपनी कहानियों में निवेद चीज लिखी हुई है, जो अंग्रेजों ने तुम्हें दस्या थोड़े बारे वह की दसी है गलत दसिया है, तो अपना एंशियंट कल्चर रिवाइव कर रहे कि नहीं कर रहे, एंशियंट जिहड़ी अपनी सभ्यता है उन्होंने की कर लिया रिवाइव कर लिया। हूँ पढ़ो पहला हूँ समझ लगेगा, आइडियाज ऑफ नैशनलिज्म
ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। देखो तुम कहोगे भैया आए इंडिया का कल्चर रिवाइव करने नैशनलिज्म की व्याख्या, ध्यान सुनो इधर देखो भी, जब मैं थोनू कहता द नेशन द कंट्री यू आर लिविंग इन वॉज पुअर वॉज मतलब कि जंगली तुम सारे थोड़ा कुछ नहीं पता जैसे दस आगे तो थोड़ा कंट्री च रहने का मन करूगा, यू विल फील अशेम टू कॉल योरसेल्फ एन इंडियन। पर जो थोड़ा कल्चर रिवाइव होया थोड़ू असलियत पता लगी कि गफ मार रहा है साडा कल्चर देना सी तो थोड़े अंदर की आऊगा कॉन्फिडेंस आऊगा कि द कंट्री आई एम लिविंग इन द कंट्री माई इंसेस्टर्स वर लिविंग इन ठीक है वॉज अ ग्रेट नेशन समझ लग गया।